क्या दोस्तों, आपको पता है दुनिया में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें यात्रा करने के लिए आपको टिकट नहीं लगता है। हाँ, आपने सही सुना, ऐसी सच में एक ट्रेन है जो फ्री है लोगों के लिए। कोई टिकट नहीं लेना, बस आराम से यात्रा करना है। और एक अच्छी जगह ये ट्रेन जाती है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और ये तब भी ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करने देती है। चलिए इस ट्रेन के बारे में जानते हैं जिसमें टिकट नहीं लगता। तो आपको इस बात की जिज्ञासा हो रही होगी कि ये ट्रेन कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेन दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार का टिकट या कोई मूल्य देना नहीं पड़ता है। वैसे दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन देख सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड। यह ट्रेन हमारे भारत देश में ही है जो आपको फ्री में यात्रा करने की परमिशन देती है। टिकट लेने का कोई झंझट नहीं। यह ट्रेन इंडिया के भाकटा नागल ट्रेन रूट पे चलती है। यह ट्रेन पंजाब के नागल से हिमाचल प्रदेश के भाकड़ा डैम तक चलती है। यह पूरे 25 गांवों से होकर चलती है। दरअसल ये जब भाकड़ा डैम बन रहा था तो यह ज़मीन अधिग्रहण के समय डैम मैनेजमेंट ने गांव वाले लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों की सुविधा के लिए एक ट्रेन चलाएंगे जो मुफ्त में आपको सेवा देगी, और वो भी हमेशा के लिए। और ये ट्रेन नांगल डैम से भाकड़ा डैम स्टेशन तक चलेगी जो 25 गांवों से होकर जाएगी। यह ट्रेन पुराने ज़माने की है तो इसमें बैठने के लिए सारे सीटें लकड़ी की बनी हुई है। इस ट्रेन से यात्रा करना बहुत ही रोमांचक भरा हुआ है। जब यह ट्रेन सतलज नदी पे बने एक पल से जाती है तो एक सुरंग से भी होकर जाती है। नागल डैम से भाकड़ा डैम के लिए यह ट्रेन सुबह 7:05 के निकलती है और वापस भाकड़ा डैम से नागल डैम के लिए 8:20 को निकलती है। नागल डैम से भाकड़ा डैम के लिए ट्रेन वापस दोपहर 3:05 से निकलती है और भाकड़ा डैम से नागल डैम के लिए वापस 4:20 को निकलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।